नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज स्टूडियो में बात करेंगे सीएससी एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के बारे में, सीएससी गैस एजेंसी जिसको कह सकते हैं गांव लेवल का, उसके बारे में। कि जैसे आप हमारे वीडियो के बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर्स रखे हुए हैं, एलपीजी सिलेंडर्स जिनको बोलेंगे। तो यहाँ पे दो, चार, दो, आठ, दो, दस, दो, बारह सिलेंडर रखे हुए हैं। वैसे नॉर्मली जो है सीएससी सेंटर पर केवल 6 या 7 सिलेंडर रखने की परमिशन होती है, बट यहाँ पे 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाने के लिए इंडेन और भारत दोनों गैस एजेंसियों का हमारे पास जो 2 सीएससी सेंटर है, तो उन पे एक जगह पे भारत गैस और एक जगह पे इंडेन गैस, इस तरीके से दोनों का काम चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए दोनों सिलेंडर को एक जगह शिफ्ट कर दिया है। तो इसलिए ये आप एक गैस एजेंसी के जो भी आप अपना एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आपको सिलेंडर मिलेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो कैसे इसके भीतर आपको काम करना होता है, कितना मुनाफा मिलता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या करना होता है, सीएससी पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करता हूँ, कैसे करना है वो मैंने लिंक भी दे दिया, वहाँ से जाके देख लेना, या फिर मैं वीडियो में आगे करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सीएससी गैस एजेंसी वाले प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चल रहा है सीएससी के सहयोग से। कि सीएससी सेंटर पर भी गैस सिलेंडर से संबंधित सर्विसेज जैसे एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उज्ज्वला केवाईसी एप्लीकेशन और बुक योर एलपीजी गैस सिलेंडर, ये सारे काम किए जाने हैं सीएससी लॉगिन के माध्यम से। तो इसमें काम करने के लिए मैंने एक डिटेल वैसे आर्टिकल आपको लिख दिया है, सीएससी गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, सीएससी वेली गैस एजेंसी, ठीक है। ऊपर से दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपको सीएससी गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन वेली सोसाइटी वेबसाइट पर लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाके A to Z आप पढ़ सकते हो कि सीएससी गैस एजेंसी वाले प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपको काम करना होता है और कौन कौन से इस एजेंसी के साथ में एलपीजी भारत इंडेन और इनमें से किन में से एचपी वगैरह किस में से आपको मिल सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, प्लस क्या कमीशन मिलता है और किस तरीके से आपको इसके भीतर अप्लाई करना होता है और जो 100 रुपये का एग्रीमेंट बनता है वो किस तरीके से बनेगा, क्या चीज़ें, वो A to Z यहाँ से मिल जाएंगी, जाके एक बार पढ़ लेना। और स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस बता दिया है, वीडियो भी लिखा हुआ है, वहाँ से जाके आपको मिल जाएगा और लिंक भी दे दिया है, जहाँ से जाके आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद देखो अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू सीएससी, उज्ज्वला केवाईसी एप्लीकेशन थ्रू सीएससी और दूसरा है बुक योर सिलेंडर। तो यानी कि अभी जब आपका ये इसके माध्यम से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे को रजिस्ट्रेशन जो स्टाम्प पेपर आपको बनाना है उसको स्टाम्प पे आपको जो है यहाँ से डाउनलोड करने के बाद, वैसे मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे दिया डाउनलोड का एग्रीमेंट का, यहाँ से सबसे पहले इस पोर्टल को लॉगिन करके आपको ये एग्रीमेंट डाउनलोड कर लेना है, इसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा के उसको अपने जो भी नज़दीकी गैस एजेंसी है जिसके साथ में भी आप काम करना चाहते हो, जैसे भारत हो गया, इंडियन हो गया, एचपी हो गया, जिसके साथ में भी करना है उसके डिस्ट्रीब्यूटर से इस पर साइन मोहर करवा लेनी है, अपने साइन मोहर कर देने और इसकी स्कैन कॉपी आपको इस पोर्टल पे अपलोड कर देनी है 1000 रुपये का पेमेंट करके। वो कैसे करना है अलग से वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक मिल जाएगा, इसे जाके देख लेना। और वो अपलोड करने के बाद आपको जो है जो भी गैस एजेंसी है नियरेस्ट वहाँ से आपको 6 या 7 सिलेंडर आपको दे दिए जाएंगे उनके नियमों अनुसार जो भी हैं उस 1000 रुपये के एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो सिलेंडर मिलने के बाद क्या होगा कि आप एक तो गैस बुकिंग का काम कर सकते हैं, जो भी लोग जैसे नहीं पढ़े लिखे हैं जो आते हैं आपके सीएससी सेंटर पर गैस बुकिंग के लिए, उनका आप बुक कर सकते हो, वैसे अपने आप से भी बुक करके आते हैं, उनको आप डिलीवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो बुकिंग का काम कर सकते हैं, दूसरा डिलीवरी का काम कर सकते हैं, तीसरा है उज्ज्वला केवाईसी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये अभी प्रॉपरली कहीं भी वर्क नहीं कर रहा है, बेसिकली मैं अभी एक बार देखता हूँ कि अभी दोबारा से ये ओके हो गया नहीं हुआ है। तो देखो अभी OMC रिस्पॉन्स समथिंग वेंट रॉन्ग, तो अभी ये सीएससी पोर्टल से लाइव नहीं है कनेक्शन वाला, लेकिन अगर आप कनेक्शन करना चाहते हैं, इसमें भी नया कनेक्शन देना चाहते हैं लोगों को अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से, तो चूंकि आप एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में काम करते हैं तो आप उनसे बातचीत करके कि हम हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनको किस तरीके से आपका नया जो भी कनेक्शन है वो दिलवा सकते हैं, तो वहाँ से आप बातचीत कर लेंगे तो कुछ ना कुछ कमीशन वो आपको मिल जाएगा पर कमीशन पे। तो इस तरीके से आप नया सिलेंडर का कनेक्शन भी कर सकते हो, नया गैस कनेक्शन भी दे सकते हैं, हालांकि अभी इस पोर्टल पे नहीं वर्क कर रहा है, वो जब करेगा तो उसका भी अलग से मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और इस तरीके नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो वेली सोसाइटी मोबाइल ऐप पे भी जरूर डाउनलोड करिएगा, यहाँ से भी आपको इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। तो जब आप इस पे एग्रीमेंट अपना अपलोड करेंगे तो 1000 रुपये का जब पेमेंट करेंगे उसके एवज में आपको जो है नज़दीकी एलपीजी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, गैस एजेंसी है जो भी आपका नियरेस्ट मेन, उससे आपको 6 या 7 सिलेंडर मिल जाएगा, डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे, कुछ जगह पे 6 देते हैं, कुछ जगह पे 7 देते हैं, इस तरीके से आपको 6-7 सिलेंडर मिल जाएगा गैस वाला, इसके लिए आपको एडिशनली कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है।
कुछ जगह पे रूल है कि वो सिक्योरिटी के रूप में कुछ करवाते हैं, तो आप एक बार अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ रूल नहीं है। 1000 रुपये जो आप CST वैलेट से रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी के अगेंस्ट में ये सिलेंडर आपको मिलने होते हैं, 6000 जो भी मिलेंगे वो 1000 रुपये की सिक्योरिटी पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब काफ़ी दोस्तों को इसमें काम करने में समस्या आती है कि उनका कोई भी ऑडिट होता है, कोई भी चेक होता है, तो उनका सेंटर बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको एक बार सेंटर मिलने के बाद बंद ना हो, तो यहाँ पे आपको एक ये फायर वाला सिलेंडर अपने यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि आप ज्वलनशील पदार्थ है इसको आप रख रहे हैं, इससे कोई भी कैजुअल्टी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, इसके लिए ये सिलेंडर आपके पास होना चाहिए ताकि अगर कोई आप ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकें और होने वाली क्षति को कम कर सकें, ठीक है। और एक इस तरीके से स्टोरेज अभी हमारा पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, इस तरीके का जाली नुमा जिसमें आपके सिलेंडर रखे रहेंगे 6 या 7 और उसको आप बंद करने का ऐसा एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, उस तरीके आपका बनवा लेना है, जिसके माध्यम से क्या है कि वो सिलेंडर उसमें रखे रहेंगे, मतलब आप जो CSE से गैस एजेंसी का काम करते हैं उसके उसमें लिखा हुआ है, उसके मानक जो है उसके अनुसार कि आपके पास ये होना चाहिए और आपके पास वो बना होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या है कि आपको एक डिस्प्ले के लिए बैनर पोस्टर लगाना होगा जिस भी एजेंसी के साथ में आपका भारत के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो भी आपका CSE सेंटर है भारत गैस डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र इस तरीके से होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए, यूजफुल रहा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों जरूर पूछिएगा ताकि सभी को इससे रेफरेंस मिल सके। और अगर आप अभी तो YELI Society मोबाइल ऐप पर नहीं हो जरूर डाउनलोड करिएगा, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।